नमस्कार, मैं शिखा श्रेय और आप देख रहे हैं जीएन भारत। अभी 3 घंटे पहले हमने एक खबर अपडेट की थी और आप लोगों ने देखी होगी कि दिन दहाड़े लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई गई है। रातू रोड के जनक नगर में दिन दहाड़े एक महिला, उनकी एक बेटी और एक बेटा को चाकू से गोद कर घर में घुस कर मार दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि ये सुबह के 3 से 4 बजे, 4 या 5 बजे के बीच की घटना है ये, जैसा सिटी एसपी अंशुमन ने बताया। 4-5 बजे बहुत सुबह होता है, दिन दहाड़े होता है और घर में घुसकर जी हाँ एक बच्ची को मार दिया जाता है, उनके भाई को मार दिया जाता है, माँ को इतना पीटा जाता है कि वो अभी बोलने की स्थिति में नहीं है। तो ये बहुत बड़ा लॉ एंड ऑर्डर का एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। हमने आपको संजय सेठ और सीपी सिंह का स्टेटमेंट भी दिखाया था, उन्होंने भी रांची के जो प्रशासन पर बहुत गहरे सवाल उठाए थे। इस पर हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश सिन्हा जी। राकेश जी, ये बताइए, जिस तरीके से आज सुबह में 3 से 4 बजे के बीच पुलिस तो तहकीकात में जुड़ी है, घर में अपराधी घुसते हैं, चाकू से गोद के लड़की को मार देते हैं, 17-18 साल की थी, मामला प्रेम प्रसंग का कहा जा रहा है, जो भी मामला हो, और उनके भाई को भी मार देती है, मर्डर कर देती है, और माँ को इतना पीटती है, अभी वो जख्मी है, रिम्स में है, कुछ बोलने की हालत में नहीं है, आम जनता कैसे सुरक्षित महसूस करे अपने आप को? नहीं, देखिए, स्वाभाविक तौर पर ये बिल्कुल दुखद घटना है और हमें लगता है कि शहर के प्रशासन को संवेदनशील होना चाहिए। प्रशासन की अगर लापरवाही हुई है तो स्वाभाविक तौर पे हम संवेदनशील और विकासशील सरकार चला रहे हैं, हम कार्रवाई किसी भी सूरत में करेंगे। प्रशासन को हम आपके माध्यम से भी, हमारी भी बात प्रशासन से हुई है, हम लोगों ने प्रशासन को ये अल्टीमेट किया है कि जितना जल्द हो सके अविलंब अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करें और उनको जेल के शिकंजे के पीछे भेजें, क्योंकि इस तरह की घटना अगर होती है तो स्वाभाविक तौर पे सरकार के ऊपर एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा होता है। और चूंकि हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है, हम जन भावनाओं की कदर करते हैं, तो अगर सरकार में जनता सुरक्षित नहीं है तो हमें लगता है कि प्रशासन को इसकी चुनौतियाँ इसको और इसकी जवाबदेही दोनों सुनिश्चित करना चाहिए। और अगर किसी प्रकार की इस पे कोताही बरती गई तो मुझे यह लगता है कि कांग्रेस पार्टी या सरकार इस मामले का काफ़ी संज्ञान लेगी। जी, आपने कब बात की, आप लोगों को कब पता चला और आपने क्या बात की? नहीं, ये एक इस घटना के विषय में हमें 7 बजे के लगभग में किसी मीडिया बंधुओं ने ही हमें फ़ोन करके इस घटना की जानकारी ली थी, तो हमने सुखदेव नगर थाना में भी फ़ोन किया था और हमने कहा कि इस तरह की घटना जो हो रही है, क्योंकि वो एरिया सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में पड़ता है, तो स्वाभाविक तौर पे आप अभिलंब अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने की दिशा में पहल करो, अन्यथा कांग्रेस पार्टी इस मामले को काफ़ी गंभीरता से ली है, और अगर अभिलंब अपराधी गिरफ्तार नहीं होते हैं तो हम सड़कों पर भी उतरने का काम करेंगे। सीपी सिंह का वहाँ पे पहुँचा संजय सेठी, फिर उन्होंने कहा कि गाड़ी का जो पेट्रोलिंग वाला जो गाड़ी है वो लगभग खड़े रहता है, एक जगह स्टैटिक रहता है, उसका मूवमेंट नहीं होता, ऐसे गली कुचले में चलना चाहिए, गाड़ी को मूवमेंट होना चाहिए, इस पर क्या कहेंगे पीसीआर के बारे में? देखिए, सीपी सिंह या संजय सेठ क्या बोलते हैं इस पर मैं ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं देना, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जनता समस्या दूर करने के लिए विधायक और सांसद चुनते हैं। लेकिन मैं सैल्यूट करता हूं रांची की जनता को जिन्होंने समस्या को ही विधायक और सांसद चुन लिया है, तो हमें यह लगता है कि उनके बयानों पे ज़्यादा प्रतिक्रिया देना उचित नहीं होगा, क्योंकि सीपी सिंह या संजय सेठ को भी आत्मज्ञान होना चाहिए कि जब उनकी सरकार थी, रघुवर दास की सरकार थी, तो मुख्यमंत्री आवास के चंद फलांग दूरी पर दिन दहाड़े हत्या हो जाया करती थी। तो मुझे यह लगता है कि हत्या पे राजनीति ये उचित नहीं है, इसका सोल्यूशन कैसे हो, इसका समाधान कैसे हो, हमें इसके दिशा में पहल करना चाहिए। नहीं, उनका तो कहना है जब हमारी सरकार थी तब तो रात में 8 बजे भी घूटी चल जाते थे, अब तो शाम 6 बजे भी जाने में डर लगता है, वैसी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ये है अभी। नहीं, मुझे तो यह लगता है कि शायद संजय सेठ जी को डर की वजह से अपने घर भी जाने में डर लगता हो, या सीपी सिंह जी को, ये लॉ एंड ऑर्डर की वजह से नहीं बल्कि ये अग्निपथ का जो युवाओं का आक्रोश है, इनके वजह से उनको घर जाने में डर लगता है, जो महंगाई के कारण आम गृहिणियों का जो आक्रोश है, इसके कारण उनको अपने घर जाने में 8 बजे के बाद डर लगता है, विधि व्यवस्था के कारण इनको डर नहीं लगता है अपना घर जाने में। एक
बात बताइए, ये जो मर्डर हुआ है ये कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान तो सरकार पे खड़ा कर रही है सुरक्षा व्यवस्था में, इसको लेकर आगे कैसे सुनिश्चित करेंगे ऐसी हरकतें ना? नहीं, मैंने कहा कि हमने कहा कि प्रशासन को संवेदनशील होना चाहिए और कांग्रेस पार्टी इस मामले को काफ़ी गंभीरता से ली है और हमने कहा भी है, कांग्रेस पार्टी भी यह मांग करती है राज्य के DGP महोदय से, राज्य के शहर के वरीय आरक्षी अधीक्षक से कि इस घटना का तुरंत अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित हो, इस दिशा में पहल करें वो। और इसके साथ ही अभी अग्निवीर जो स्कीम आई है इसको लेकर जो केंद्र सरकार को काफ़ी युवा बहुत ज़्यादा आक्रोशित है, भारत बंद और बिहार बंद बुला रहे, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे ये लगता है कि 2014 के बाद से जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं तब से इनका हर फैसला इस देश के युवाओं के खिलाफ, इस देश के किसानों के खिलाफ, इस देश के व्यापारियों के खिलाफ, इस देश के निम्न वर्गीय मध्यम वर्गीय परिवारों के खिलाफ होते रहा है। आप एक बात बताओ मुझे कि क्या हम बोरो प्लेयर से सेना में ला करके जंग जीत सकते हैं? तो ये योजना युवाओं के लिए नहीं है, ये देश के युवा इस योजना को भली भांति समझ चुके हैं। ये योजना RSS और भाजपा के कार्यकर्ताओं को समायोजन करने की योजना है। ये योजना देश के प्रधानमंत्री के चंद उद्योगपति मित्र जो हैं उनके गोदामों की सुरक्षा करने की योजना है सरकारी खर्च पे। अब आप सेना में, ये भारत के अस्तित्व पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे हैं नरेंद्र मोदी, सेना के परंपराओं का भी धजियां उड़ा रहे हैं देश के प्रधानमंत्री और देश के रक्षा मंत्री। आखिर आप किस और भारत को लेकर के जाना चाहते हैं? क्या हम एग्रीमेंट बेसिस पे सेना के जवान सेना में सम्मिलित होंगे यहाँ के युवा? आप बताओ कि 4 साल के बाद उनका भविष्य क्या होगा? हम तो ये कहते हैं कि मैं 20 लाख रुपया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देना चाहता हूँ, वो देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दें और 20 लाख रुपया हमसे ले लें। आप ये, आपका ये समायोजन कि 12 लाख रुपया हम युवाओं को देंगे, 12 लाख रुपया आप देके 4 साल के बाद उनकी पूरी भविष्य को आप खत्म करना चाहते हो, तो आप 12 लाख रुपया दे रहे हो, हम देश के प्रधानमंत्री को 20 लाख रुपया दे रहे हैं। आप 20 लाख रुपया लो और देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दो। आपको लगता है कि 2024 में मुश्किल हो सकती है ऐसे फैसले के लिए मोदी जी के लिए? देखिए, भारत विश्व पटल पे इसलिए महागुरु बनने की दिशा में सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रही है कि भारत के 4 चीज पूरे विश्व में आपको भारत की एक पहचान दिखाती है। ये पहचान है भारत का संविधान, ये पहचान है भारत का लोकतंत्र, ये पहचान है भारत की धर्मनिरपेक्षता, ये पहचान है भारत की गंगा जमुना तहजीब। तो हमें यह लगता है कि 2014 के बाद से जिस प्रकार इन चारों चीज़ों पर देश के प्रधानमंत्री के द्वारा कुठाराघात किया जा रहा है, हमला किया जा रहा है, तो अब भारत की जनता संवेदनशील भी है और भावनात्मक भी है। स्वाभाविक तौर पे भारत की जनता 2024 में इनको सबक सिखाने का काम करेगी। सुरक्षा व्यवस्था बाद में आते हैं, महिला सुरक्षा को लेकर कितने संवेदनशील हैं आप और आगे क्या महत्वपूर्ण कदम उठाने की योजना? नहीं, देखिए, बिल्कुल महिलाओं की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है, क्योंकि हम राजनीतिक सिर्फ वोट लेने के लिए नहीं करते। कांग्रेस पार्टी का संबंध चाहे देश हो या राज्य हो, वहाँ के निवासियों के साथ, वहाँ के जनमानस के साथ एक आत्मीयता का संबंध है, और कहीं ना कहीं अगर महिला सुरक्षा में चूक होती है तो यह बिल्कुल गंभीर बात है और हम इसे कतई किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। और हमें यह लगता है कि हम इस मामले में बहुत जल्द आगे बढ़ेंगे, हम राज्य के DGP से भी बात करेंगे, वरीय आरक्षी अधीक्षक से भी बात करेंगे और इस मामले पे कैसे इस मामले को संतुलन बनाया जाए, कैसे इस मामले को रोका जाए, इसके दिशा में सकारात्मक पहल करने को बाध्य करेंगे। आपने सुना कि कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने साफ तौर पर कहा है कि महिलाओं को घबराने की जरूरत नहीं है बल्कि वरीय अधिकारियों से बात करेंगे और कैसे इनकी सिक्योरिटी सुरक्षित हो झारखंड में, इसका पूरा विश्वास इन्होंने दिलाया। इसके साथ ही अग्निवीर जो स्कीम है इसको लेकर युवाओं के बीच इतना आक्रोश है, इसको लेकर भी उन्होंने कहा है कि 2024 बहुत मुश्किल हो सकती है मोदी जी के लिए अगर ऐसा ही चलते रहा। खैर, सुरक्षा व्यवस्था कैसा होगा इसका अपडेट तो हम आपको जीएन भारत में देंगे, साथ ही आगे क्या भाजपा निर्णय लेती है अग्निवीर स्कीम को लेकर इसका अपडेट भी हम आपको जीएन भारत में देते रहेंगे। आप देखते रहिए जीएन भारत। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप
हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।